हमने पहले इनको आज से 6 महीने हो गए इनको बिल देते हुए, बिल पे हमारा नोटिस ऑलरेडी जो है प्रिंट होता है, तो आज तक इन्होंने कोई भी उस तरफ गौर केयर नहीं किया। अब गवर्नमेंट ने जो है हमारी जो इंक्रीमेंटें बंद कर दी है, सैलरी बंद की दी है, अब कुछ सस्पेंशन ऑर्डर निकालने वाले हैं, तो हमने R&B के जो एक्शन ऑफिस है, SC ऑफिस है, उनका रेजिडेंस है, उनकी आउटस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा है, उनको 10 बार बोला उन्होंने नहीं जमा कराया, इसलिए आज उनका हमने ऑफिस भी और रेजिडेंस भी हमने डिस्कार्ड किए हैं। कुछ उनके क्वार्टर है, क्वार्टर भी हमने डिस्कार्ड किए हैं। हम जो क्वार्टरों की जो अथॉरिटी है, जो अलाटमेंट करती है, चाहे DC ऑफिस है, चाहे वो R&B के ऑफिस से है, इनको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर अलाट करते हैं विदाउट NOC, बिजली पानी के NOC लिए बिना, उनको जो है NOC दे देते हैं, सर्विस बुक इशू कर देते हैं, उनकी और शर्ट चल रही है, कुछ लोग वो रिटायर हो गए, कुछ की डेथ हो गई है, तो ये इसकी रिस्पांसिबिलिटी इनकी जो है डिपार्टमेंट की है जो ये कर रहे हैं। तो आगे भी हम जो पब्लिक है उनके भी जो और शर्टिंग है उनके भी हम उनको बोल रहे हैं कि अपनी और शर्टिंग जो है क्लियर कराओ, 31 मार्च से पहले बिल जमा कराए, नहीं तो हम जो है वो कल से हम उनका भी जो है काटेंगे। इसमें हमने जो RTA भी काट रहे हैं हम आज, तो एक्सचेंज का है, एक्सचेंज के क्वार्टरों का इशू है कुछ, वो भी काट रहे हैं हम। PW की आर लिस्ट हमने सारे काट दिए, उनके क्वार्टर भी काटे हुए, कुछ जो AW का ऑफिस है, एक्शन का, SC का, वो सब हमने काटे हुए। ढा बंगलों का भी है? हाँ, ढा बंगले का भी है। ढा बंगले का कितने और 40-45 लाख रुपए और आए थे, उसका तो कोई उस तरफ गौर किया नहीं।